फूड चेन की बात करते हैं अपन यहाँ पर। फूड चेन, दीज नेचुरल इंटरकनेक्शन ऑफ फूड चेन मेक इट द फूड वेब। बहुत सारी जो फूड चेन्स हैं वो आपस में इंटरलिंक्ड होती है। ऐसा पर्टिकुलर नहीं कि साहब ये ग्रास चेज तो रेबिट ही खाएगा, डियर नहीं खाएगा, ऐसा नहीं है। तो जो हमारा फॉरेस्ट है उसमें इंटरलिंक्ड है भाई। अल्टीमेटली एनिमल्स जो होते हैं वो तीन चीज़ें उनकी रिक्वायरमेंट होती है। फूड की रिक्वायरमेंट उनको चाहिए, चाहे वो हर्बीवोरस हो चाहे ओमनीवोरस हो। अपनी स्पीशीज को बचाने के लिए वो लाइफ पार्टनर रखते हैं, मतलब उनकी रिप्रोडक्शन होता है उनके अंदर। और एक शेल्टर, उनको छिपने के लिए अपना घर जैसा वातावरण उनको चाहिए। तो उनका यही काम है। टाइगर सुबह उठते हुए डियर को ढूंढता है, डियर जो है वो सुबह ग्रासेस को ढूंढता है और कोशिश करता है कि हमारे सामने टाइगर ना आए, लेकिन टाइगर आ ही जाता है क्योंकि वो उसका फूड है, ठीक है ना। तो इस तरह का पूरा चूहा है, चूहा ढूंढता रहता है भाई कहाँ खाना मिलेगा, रोटी मिलेगी, दूध मिलेगा, दाना मिलेगा। सांप ढूंढता रहता है मेंढक कहाँ मिलेगा और चूहा कहाँ मिलेगा। नेवला ढूंढता रहता है सांप कहाँ मिलेगा। तो इस तरह से सब एक दूसरे की तलाश में लगे रहते हैं, यही दुनियादारी है, ठीक है ना। तो ये सारी की सारी फूड चेन है। तो द नेचुरल इंटरकनेक्शन ऑफ द फूड चेन मेक इट द फूड वेब। ऑर्गेनिज्म ऑक्यूपाई अ प्लेस इन द नेचुरल सराउंडिंग और इन कम्युनिटी अकॉर्डिंग टू देयर फीडिंग रिलेशनशिप विद अदर ऑर्गेनिज्म। तो ऑर्गेनिज्म ऑक्यूपाई है एक प्लेस के ऊपर, नेचुरल सराउंडिंग से एक कम्युनिटी भी है वहाँ पर, तो देयर फीडिंग रिलेशनशिप विद अदर ऑर्गेनिज्म। खाने का उनका आपस में एक रिश्ता है, एक रिलेशन है भाई, ये खाना है वो खाना है ऐसा करना है। तो बेस्ड ऑन द सोर्स ऑफ देयर न्यूट्रिशन और फूड, ऑर्गेनिज्म ऑक्यूपाई अ स्पेसिफिक प्लेस इन द फूड चेन दैट इज नोन एज द ट्रॉपिकल लेवल। ट्रॉपिकल लेवल मैंने बताया था आपको बेटा, हम पिरामिड्स बनाएंगे भी यहाँ पर, तो ये सब ट्रॉपिकल लेवल है। मान लीजिए ये यहाँ पर प्लांट हैं, तो ये ट्रॉपिकल लेवल फर्स्ट है, या ग्रासेज है इसके अंदर। इन ग्रासेज को मान लीजिए कोई ग्रासोफर इंसेक्ट है इसने खाया, तो ट्रॉपिकल लेवल टू हो जाता है। अब ग्रासोफर को मान लीजिए फ्रॉग ने या और किसी एनिमल ने, हाँ, तो ये T3 हो जाता है। मैक्सिमम जो है वो T4 होता है या कभी कभी T5 हो सकता है, इससे ज़्यादा पिरामिड्स नहीं होते हैं, इनको ट्रॉपिकल लेवल कहा जाता है। तो बेस्ड ऑन द सोर्स ऑफ देयर न्यूट्रिशन, ये एक दूसरे एनर्जी तो फ्लो हो रही है। खाना क्यों खाया जा रहा है, क्योंकि इनको एनर्जी चाहिए। तो और एनर्जी क्या है भाई, कैपेसिटी टू डू वर्क, कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहते हैं। यदि हिंदी में बात करें अपन, फिजिक्स के अंदर ये डेफिनेशन आती है। हमको खाना क्यों खाना है, क्योंकि हमको एक पावर चाहिए वर्क करने के लिए, इसलिए हमको खाना खाया जाता है। तो बेस्ड ऑन द सोर्स ऑफ देयर न्यूट्रिशन और द फूड, ऑर्गेनिज्म ऑक्यूपाई द स्पेसिफिक प्लेस इन द फूड चेन दैट इज नोन एज द ट्रॉपिकल लेवल। प्रोड्यूसर्स, आप जानते हो जो प्रोड्यूसर्स हैं ये प्लांट हैं, और ये प्लांट अपना फूड बनाते हैं। तो प्रोड्यूसर बिलोंग टू द फर्स्ट ट्रॉपिकल लेवल, इस फर्स्ट ट्रॉपिकल लेवल को अपन T1 बोलते हैं। हर्बीवोरस प्राइमरी कंज्यूमर टू द सेकंड, एंड कार्निवोरस सेकेंडरी कंज्यूमर टू द थर्ड। तो इस तरह से एक पूरी की पूरी फूड चेन बन जाती है, और अलग अलग ट्रॉपिकल लेवल पर अलग अलग ऑर्गेनिज्म होते हैं। द इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू नोट इज दैट द अमाउंट ऑफ एनर्जी डिक्रीज द सक्सेसिव ट्रॉपिकल लेवल। हमने आपको पहले बताया भी था कि जो एक ट्रॉपिकल लेवल होता है, इस ट्रॉपिकल लेवल के अंदर जैसे T1, T2, T3, T4 है, ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है, और ये T4, और ये मान लीजिए T5 है। मैक्सिमम पिरामिड्स के अंदर T4 ही होते हैं, कभी कभी किसी चेन में T5 बन सकते हैं। तो यहाँ से जो प्लांट हैं वो 2-10% जो पार है फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन उसको एब्जॉर्ब करते हैं, और यहाँ से जब एनर्जी यहाँ ट्रांसफर होगी T1 से T2 में, तो 10% लो हमारा काम करता है। तो टॉप लेवल का जो ट्रॉपिकल लेवल है बेटा, वहां तक एनर्जी जो है वो कम ट्रांसफर होती है। द इम्पोर्टेंट पॉइंट टू नोट इज दैट द अमाउंट ऑफ एनर्जी डिक्रीज द सक्सेसिव ट्रॉपिकल लेवल व्हेन एनी ऑर्गेनिज्म डाइज इट इज कन्वर्टेड द डेटेटर। अब यहाँ जो ऑर्गेनिज्म मर जाता है, मान लीजिए टाइगर की डेथ हो गई, तो टाइगर की डेथ हो गई तो अब इसके ऊपर जो है वो डेटेटस जो बैक्टीरिया है, फंगस है, वो इस पर लग जाएंगे। यहाँ से स्टार्ट होगा ये डेड बायोमास,
दैट सर्व एज द एनर्जी सोर्स ऑफ द डिकम्पोजिशन। ये क्वेश्चन भी नीट में आता है, बच्चा थोड़ा थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, कंफ्यूज नहीं होना है बेटा, कि जब ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है तो अब वो कन्वर्ट होता है डेटेटस या डेड बायोमास के अंदर, और दैट सर्व एज एन एनर्जी सोर्स फॉर द डिकम्पोजर्स। ऑर्गेनिज्म एट ईस्ट ट्रॉपिकल लेवल डिपेंड ऑन दोज एट द लोअर ट्रॉपिकल लेवल फॉर देयर एनर्जी डिमांड। हम जानते हैं बेटा कि जो एनिमल्स हैं वो अपने लोअर जो ऑर्गेनिज्म है उसके ऊपर डिपेंड करते हैं फूड के लिए, ठीक है ना। ईस्ट ट्रॉपिकल लेवल हैज द सर्टेन मास ऑफ लिविंग मटेरियल एट पर्टिकुलर टाइम कॉल्ड एज स्टैंडिंग क्रॉप। जैसे एक खेत है, खेत जानते हो ना, क्रॉप फील्ड, चाहे एक बीघा एक एकड़, चाहे वो गेहूं का हो, कपास का हो, चने का हो, सोयाबीन का हो, किसी का भी हो, तो उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर उस पर्टिकुलर टाइम में कितनी प्रोडक्टिव हुई उसको हम बोलेंगे स्टैंडिंग क्रॉप। ये नीट का क्वेश्चन है। ईस्ट ट्रॉपिकल लेवल है सर्टेन मास ऑफ लिविंग मटेरियल। अब मान लीजिए उसकी कटाई कर दी आपने, चार महीने बाद गेहूं आ गए, काट लिए, तो वो फील्ड जो है वो एक तरह से वीरान सा हो गया, बिल्कुल वापस दोबारा से उसको तैयार करना होगा नेक्स्ट क्रॉप के लिए। तो वो जो उस टाइम पर पर्टिकुलर टाइम पर जो उसका बायोमास है उसे हम स्टैंडिंग क्रॉप बोलते हैं। तो ईस्ट ट्रॉपिकल लेवल हैज अ सर्टेन मास ऑफ द लिविंग मटेरियल एट द पर्टिकुलर टाइम कॉल्ड एज द स्टैंडिंग क्रॉप। क्लियर है क्या बच्चों? द स्टैंडिंग क्रॉप इज मेजर्ड एज द मास ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म बायोमास और द नंबर ऑफ द यूनिट एरिया। द बायोमास ऑफ द स्पीसीज इज एक्सप्रेस इन द टर्म फ्रेश और ड्राई वेट। दो चीजें, फ्रेश और ड्राई वेट। फ्रेश का मतलब है जो स्टैंडिंग क्रॉप है जिसमें वाटर भी अवेलेबल है, जो गेहूं की एक फसल है ऐसा समझें अपन, या मक्का की है या सोयाबीन की है या कोई भी फ्रूट का है, मान लो अमरूद ही है या कोई भी है। लेकिन जब क्रॉप है, जब तैयार हो गई, मान लो गेहूं आ गए, तो जो जो सीड हैं वो ड्राई हो गए। तो इस तरह से दो तरह का बायोमास होता है, फ्रेश और ड्राई। इस फ्रेश के अंदर वाटर भी इंक्लूड होता है और इसके अंदर वाटर इंक्लूड नहीं होता। मेजरमेंट ऑफ द बायोमास इज टर्म्ड एज द ड्राई वेट इज द मोर एक्यूरेट। जो ड्राई वेट है वो मोर एक्यूरेट है। द नंबर ऑफ ट्रॉपिकल लेवल इज द ग्रेजिंग फूड चेन। ग्रेजिंग फूड चेन का मतलब है कि जो अपने कैटल्स हैं जो घास वगैरह खाते हैं, इज रेस्ट्रिक्टेड एज द ट्रांसफर ऑफ द एनर्जी फॉलोज द 10% लॉ। ये 10% लॉ आपको याद है, ओनली 10% ऑफ द एनर्जी इज ट्रांसफर्ड टू द ईस्ट ट्रॉपिकल लेवल फ्रॉम द लोअर ट्रॉपिकल लेवल। ये सबको याद हो गया क्या बच्चों? समझ में आया क्या? मान लीजिए एक ट्रॉपिकल लेवल पर, यहां पर 100,000 ये 100,000 प्रोडक्टिविटी है, तो इस 100,000 का 10% कितना हुआ? अरे राधिका जी, अरे 100,000 का 10% कितना हुआ? 10,000 हो गया ना। नहीं आया समझ में? परसेंटेज निकालना पड़ेगा क्या? अब 10,000 का 10% हो गया 1,000, और इसका 10% कितना हो गया? 100, और ये कितना हो गया? 10। क्लियर है क्या? तो ट्रॉपिकल लेवल 1 पर यदि 100,000 किलो कैलोरी एनर्जी है, तो ट्रॉपिकल लेवल 2 पर 10,000, ट्रॉपिकल लेवल 3 पर 1,000, ट्रॉपिकल लेवल 4 पर 100, और ट्रॉपिकल लेवल 5 पर 10 किलो किलो एनर्जी। तो एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो टॉप एनिमल है वो वीकेस्ट है। क्लियर हो गया बच्चों? समझ में आ गया सब बच्चों के? ये बहुत बढ़िया। ये देखिए आप, ये आपका जो मैंने एग्जाम्पल बताया वही एग्जाम्पल यहाँ है, यहाँ लिखा हुआ है, ये यहाँ सनलाइट है, ये 100,000 है। कितना है ये? 100,000 जूल ऑफ द सनलाइट। तो सनलाइट से एनर्जी जो ट्रांसफर होती है पहले ट्रॉपिक लेवल पर वो 1% होती है। कितना होती है बेटा?
इस चीज को आप ध्यान रखना, यहाँ बच्चा क्वेश्चन गलत करता है। ये सन से लाइट आ रही है 10 लाख जूल ऑफ द सनलाइट, तो इस 10 लाख ऑफ द जो सनलाइट की एनर्जी है इसका सिर्फ 1% ये प्लांट प्राइमरी प्रोड्यूसर यूज करते हैं। ये बात समझ में आई नहीं आई सब बच्चों के? ओनली 1%, तो 10 लाख का जो 1% है वो 10,000 जूल है। क्लियर है क्या बच्चों? और अब यहां से 10% ट्रांसफर होगी ये 1000, फिर 1000 10% 100 और 100 का 10% 10। तो ये प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं, ये प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं, ये सेकेंडरी कंज्यूमर्स हैं और ये टर्सरी कंज्यूमर्स। क्लियर है सब बच्चों को? फूड चेन इन नेचर इट इज पॉसिबल टू हैव द मेन लेवल प्रोड्यूसर हर्बिवोरस, प्राइमरी कार्निवोरस, सेकेंडरी कार्निवोरस इन द ग्रेजिंग फूड चेन। ये देखिए आप, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है। सन से लाइट आई, हीट के रूप में लॉस्ट हो गई। फर्स्ट ट्रॉपिकल लेवल प्लांट्स हैं यहाँ पर, फिर हीट के रूप में लॉस्ट हुआ। सेकंड ट्रॉपिकल लेवल प्राइमरी कंज्यूमर है ये हर्बिवोरस है, फिर यहाँ से बर्ड आ गया आपका थर्ड ट्रॉपिकल लेवल सेकेंडरी कंज्यूमर कार्निवोरस है, और फिर हावॉक आ गया ये फोर्थ ट्रॉपिकल लेवल टर्सरी कंज्यूमर टॉप कार्निवोरस है, और ये हीट के रूप में यहाँ पर एनर्जी जो है वो लॉस हो जाती है। ये टेरिस्ट्रियल फूड चेन के एग्जाम्पल हैं। ग्रास को रैबिट ने खाया, रैबिट को कैट ने खाया, कैट को उल्फ ने खाया, उल्फ को टाइगर ने खाया। तो ट्रॉपिकल लेवल कितने हो गए बेटा यहाँ पर? ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है, ये T4 है और ये T5 है। क्लियर है क्या बच्चों? ग्रास को ग्रासोफर ने खाया, ग्रासोफर को फ्रॉग ने खाया, फ्रॉग को स्नेक ने खाया, स्नेक को पीकॉक ने खाया, पीकॉक ने फॉल्कन ने खा लिया। तो ट्रॉपिकल लेवल बढ़ गया ना यहाँ पर। वेजिटेशन को इंसेक्ट ने खाया, इंसेक्ट को प्रीडेटर बर्ड ने खाया, बर्ड को हावॉक खा गया। तो ये फूड चेन्स हैं जो कि अलग अलग ट्रॉपिकल लेवल के अलग अलग ऑर्गेनिज्म हैं। एक्वेटिक में देखिए आप, फाइटोप्लैंक्टन को जूप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन को क्रस्टेशिया, क्रस्टेशिया को प्रीडेटर इंसेक्ट, प्रीडेटर इंसेक्ट को स्मॉल फिशेज, स्मॉल फिशेज को लार्ज फिशेज। फाइटोप्लैंक्टन को जूप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन को क्रस्टेशियन, क्रस्टेशियन को प्रीडेटर इंसेक्ट और इसको किंगफिशर और इसको स्टॉक ने खा लिया। प्रोडक्टिविटी जो है अ कॉन्स्टेंट इनपुट ऑफ द सोलर एनर्जी इज द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर द एनी इकोसिस्टम टू फंक्शन एंड सस्टेन। प्राइमरी प्रोडक्शन इज द डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ द बायोमास और ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस पर यूनिट एरिया। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। प्राइमरी प्रोडक्शन क्या है? डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ द बायोमास और ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस पर यूनिट एरिया ओवर अ टाइम पीरियड बाय द प्लांट ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। इट इज एक्सप्रेस इज द टर्म ऑफ द वेट और एनर्जी किलो कैलोरी पर स्क्वायर मीटर। द रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन इज कॉल्ड एज द प्रोडक्टिविटी। ये भी क्वेश्चन आपके, अब यहाँ से इक्वेशन क्वेश्चन बनेंगे आपके। प्रोडक्टिविटी क्या होती है? तो द रेट ऑफ द बायोमास प्रोडक्शन इज कॉल्ड एज द प्रोडक्टिविटी। इट इज एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ द वेट और एनर्जी किलो कैलोरी पर स्क्वायर मीटर। वी मे हैव हियर्ड ऑफ द अर्थवर्म बींग रेफर्ड एज टू द फार्मर्स फ्रेंड। अर्थवर्म जो है वो फार्मर का फ्रेंड होता है। मैंने बताया था आपको, इनके अंदर कंप्लीट डाइजेशन नहीं होता है, इनकम्प्लीट डाइजेशन होता है और मिट्टी खाते हैं ये, और ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को पैलेट्स के रूप में बाहर निकालते हैं छोटी छोटी, उसे वर्मी फॉर्म कंपोस्ट बोलते हैं। क्लियर है क्या सब बच्चों? क्लियर है बच्चों? धन्यवाद। चलिए आगे। ये अर्थ में केचुए देखा आपने, ये हिंदी में गिंडोले बोलते हैं इनको, बताओ आपको। तो बारिश में कभी कभी बाथरूम निकल जाते हैं टाइल के बीच में। दिस इज द सो बिकॉज द हेल्प द ब्रेकडाउन ऑफ द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर एज वेल एज द लूजनिंग ऑफ द सोइल। सोइल को लूज करते हैं। अब है डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन मैंने बताया भी आपको, जो बैक्टीरिया हैं, फंगस हैं, कोई भी ऑर्गेनिज्म की जब डेथ होती है तो उसके ऊपर जो डिकम्पोजर लग जाते हैं। तो सिमिलरली डिकम्पोजर्स ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर इंटू द इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज लाइक द कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, न्यूट्रिएंट्स एंड द प्रोसेस कॉल्ड एज द डिकम्पोजिशन। द रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन इज कॉल्ड एज द प्रोडक्टिविटी। इट इज एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ द ग्राम स्क्वायर पर ईयर, किलो कैलोरी पर स्क्वायर मीटर टू कंपेयर द प्रोडक्टिविटी ऑफ द डिफरेंट इकोसिस्टम। कोरल रीफ, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, सुगर कैन फील्ड आर द मोस्ट प्रोडक्टिव।
ये एग्जाम्पल है। डेजर्ट एंड डीप सी, भाई डीप सी के अंदर आप जानते हो कि 500 मीटर से ज्यादा डीप सी है, वहां पर लाइट पेनिट्रेट नहीं करती है। क्लियर है क्या बच्चों? तो डेजर्ट एंड डीप सी इकोसिस्टम आर लीस्ट प्रोडक्टिव। इकोसिस्टम प्रोडक्टिविटी इज द मेंटेन बाय द फ्लो ऑफ द एनर्जी डिराइव्ड फ्रॉम द सन। एनर्जी ट्रैप्ड बाय प्लांट वेरीज फ्रॉम इकोसिस्टम टू द इकोसिस्टम। ये देखिए आप, एक्वेटिक इकोसिस्टम 0.2%, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम 1%, ग्रासलैंड 1.15%, मिक्स्ड फॉरेस्ट 0.81%, मॉडर्न क्रॉप 5%, शुगर केन फील्ड। भाई शुगर केन जो गन्ना है ना, वो तो ग्लूकोज ही बनाता है, शक्कर कहाँ से बनती है। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज द रेट ऑफ द विच रेडिएंट एनर्जी इज स्टोर्ड बाय द प्रोटो ऑटोट्रॉप्स एंड कीमो ऑटोट्रॉप्स। ठीक है बच्चों, कीमो ऑटोट्रॉप्स हमने समझ गया, केमिकल की प्रेजेंसी में जो अपना फूड बनाते हैं, और ये लाइट की प्रेजेंसी बनाते हैं। ये प्लांट हैं, सनलाइट है, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन है, वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, राइजोबियम बैक्टीरिया से आप कहते हो, यूज द नाइट्रोजन इन द सॉयल एज द एनर्जी सोर्स। ये प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है, ये सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी है। ये ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जैसे 300 जूल है, फिर नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी टिश्यू 200 जूल, फिर सेल रेस्पिरेशन लॉस्ट हो गया यहाँ पर 100 जूल, फिर ये फ्रूट आया, फिर इसने इंसेक्ट लिया। अब ये इंसेक्ट के अंदर जो बना, ये सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कहलाती है। तो इसके अंदर मान लीजिए ग्रोस सेकेंडरी प्रोडक्शन है 200 जूल है, फिर नेट सेकेंडरी प्रोडक्शन ये फेसिस के रूप में, टिश्यू के रूप में, सेल रेस्पिरेशन और लॉस है 67 जूल के रूप में। ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो है GPP, इट इज द रेट ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर सिंथेसाइज बाय द प्रोड्यूसर पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। इसे GPP कहते हैं। मान लो एक साल के अंदर किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर कितने प्लांट हैं, उन्होंने कुल कितना बायोमास बनाया, उसे ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहा जाता है। जो रेस्पिरेशन में यूज हो जाती बेटा, उसको नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। इज द रेट ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर बिल्ड अप द और स्टोर्ड बाय द प्रोड्यूसर इन देयर बॉडी पर यूनिट टाइम एंड एरिया। नेट प्रोडक्टिविटी इज इक्वल टू द ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस लॉस ड्यू टू द रेस्पिरेशन एंड अदर रीजन। NPP इज द अवेलेबल बायोमास। अब जो NPP बची वही तो आगे ट्रांसफर होगी कंजप्शन ऑफ द हेटरोट्रॉप हर्बिओरस और डिकम्पोजर्स के लिए। NPP इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला है, बताया थोड़ी देर पहले बताया था आपको, जो NPP इज इक्वल टू माइनस, तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी डिपेंड ऑन द प्लांट स्पीसीज इनहिबिटिंग द पर्टिकुलर एरिया, अवेलेबिलिटी ऑफ द न्यूट्रिएंट्स एंड द फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी ऑफ द प्लांट, दिस इज द अवेलेबल टू द हर्बिओर लेवल। द एनुअल NPP ऑफ द होल बायोस्फीयर इज अप्रोक्सीमेटली, ये क्वेश्चन याद रखना आपको, ये 170 बिलियन टन ड्राई वेट। एनसीईआरटी लाइन है बेटा, है ना, याद करना आपको नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑफ द ऑर्डिनरी मैटर डिस्पाइट द ऑक्यूपाइंग द अबाउट 70% ऑफ द सरफेस द प्रोडक्टिविटी द ओशियन, और ओनली 55 बिलियन टन जो है ये इसका अंदर ओशियन की प्रोडक्टिविटी है। प्लस ऑक्यूपाई अबाउट 70% वाटर है, आप जानते हो ओशियन है, पूरी धरती पर समुद्र का पानी है, लेकिन प्रोडक्टिविटी सिर्फ वहाँ की 55 बिलियन है। क्लियर है क्या बच्चों? पक्का चले आगे। इन डीप मैराइन हैबिट बोथ लाइट एंड न्यूट्रिएंट्स बिकम द लिमिटेड। द मोस्ट लिमिटिंग न्यूट्रिएंट्स ऑफ द मैराइन इकोसिस्टम इज द नाइट्रोजन, और ये मैराइन इकोसिस्टम का फोटोग्राफ, शार्क फिशेज, जेब्रा फिशेज। आज की क्लास यहाँ समाप्त होती है मेरे बच्चों।